ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासी आए दिन किसी न किसी समस्या से जूझते नजर आते हैं। यहाँ पर कभी बिजली की समस्या, तो कभी पानी की समस्या, तो कभी लोगों के लिफ्ट में फंसने के कारण आए दिन हंगामा होता रहता है। बीती रात रक्षा एडेला सोसाइटी में बिजली चले जाने से कुछ लोग लिफ्ट में फंस गए, जिनको मुश्किल से बाहर निकाला गया। इसके बाद यहाँ के निवासी सड़कों पर उतर आए और सोसाइटी के गेट पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बिसरा कोतवाली पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। दरअसल शुक्रवार रात बिजली गुल होने के कारण कुछ लोग लिफ्ट में फंस गए, जिनको मुश्किल से बाहर निकाला गया। इसके बाद लोगों का बिल्डर के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। निवासियों का आरोप है कि बार बार मेंटेनेंस विभाग से बिजली आपूर्ति को लेकर शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सोसाइटी में पावर बैकअप के लिए डीजी सेट की व्यवस्था भी नहीं शुरू की गई है। बिजली जाने पर लोगों को गर्मी से जूझना पड़ता है। देर रात प्रदर्शन और हंगामे की जानकारी मिलते ही बिसरख कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बिजली के बैकअप की समस्या को लेकर सोसाइटी निवासियों और बिल्डर्स के बीच बातचीत कर मामले को शांत कराया गया। पुलिस का कहना था कि लिफ्ट में कोई भी व्यक्ति अभी फंसा हुआ नहीं है। रक्षा एडेला सोसाइटी के निवासियों का कहना था कि सोसाइटी में शुक्रवार की शाम से ही बार बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही थी। हर आधे घंटे बाद बिजली की कटौती हो रही थी। शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में हर आधे घंटे के बाद बिजली आ जा रही थी। कुछ लोग लिफ्ट में सवार होकर ऊपर से नीचे आ रहे थे, तभी अचानक लाइट जाने के कारण वे सभी लिफ्ट में फंस गए। बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से सोसाइटी के निवासियों ने परिसर में एकत्रित होकर गेट पर बिजली विभाग और बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। निवासियों का आरोप है कि बार बार मेंटेनेंस विभाग से बिजली आपूर्ति को लेकर शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सोसाइटी में पावर बैकअप के लिए डीजी सेट की व्यवस्था भी नहीं की गई है।